हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू द चैनल नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एमसीक्यूज एंड दीज आर फ्रॉम लिटरेचर एंड पोइट्री सो लेट्स सी हाउ मच डू वी नो एंड लेट्स चेक आर प्रेपरेशन अपनी प्रेपरेशन चेक करते हैं तो आप लोगों के पास ये इलेवन जो एमसीक्यूज हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट कर किए और कितने आप लोग सक्सेस अ पैटर्न ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स इन लाइन ऑफ पोएट्री जो एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड सिलेबल्स होते हैं एक पैटर्न जो लाइंस में बनता है पोएट्री का उसे क्या कहते हैं राइम स्कीम, मीटर और अलिट्रेशन तो आपका जो आंसर है सही आंसर है आपका उसे कहते हैं हम मीटर नेक्स्ट है आपका द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स एलिट्रिशियन ऑनोमेटापिया और राइम तो जो सेकेंड आपका क्वेश्चन है उसमें है कि जो एंडिंग uh, साउंड जो रिपीटिशन होता है वो क्या कहलाता है आपका जो सही आंसर है वो है आपका राइम अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नन ह्यूमन थिंग्स जो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं वो हम नन ह्यूमन क्वालि थिंग्स के लिए अप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं फसोनिफिकेशन ऑनोमेटापिया या अलिट्रेशन तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका आपकाउंडिया या अलिट्रेशन तो आपका सही आंसर है जो एंड बिगनिंग ऑफ कॉन्सनेट साउंड होता है और उसका जो रिपीटेशन होता है उसे क्या कहते हैं तो वो है आपका अलिट्रेशन नेक्स्ट फॉर यू अंपेरिजन ऑफ अनलाइक विदाउट यूजिंग अ वर्ड ऑफ कंपेरिजन सच एज लाइक और एज तो जो हम कंपेरिजन करते हैं अनलाइक थिंग्स की और बिना एज लाइक और एज वर्ड की यूज के तो उन्हें क्या कहते हैं मैटाफो मेट, सिमली और पर्सोनिफिकेशन तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट मेटाफर नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड एस ये जो हम कंपैरिजन करते हैं अनलाइक थिंग्स का उसमें हम एज एंड लाइक वर्ड का यूज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है तो आपका जो आंसर है वो है सिमली नेक्स्ट यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड जो हम साउंड को इमिटेट करने के लिए वर्ड्स या लेटर यूज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है अलिट्रिशन सिमली और ऑनमिटपिया सो पिया इज द राइट आंसर अ डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन ऑफ द फाइव सेंसेस इमेजरी पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर सो आंसर इज द करेक्ट आंसर इमेजरी पोएम दैट टेल्स अटोरी विद प्लॉट सेटिंग एंड कैरेक्टर्स लिरिक फ्रीवर्स और नेरेटिव सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नेरेटिव अ पोम विद नो मीटर और राइम लिरिक फ्रीवर्स और नेरेटिव जो एक पोइम होती है उसमें अगर मीटर और राइम ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे उसे कहते हैं फ्री वर्ड्स अ पोएम दैट जनरली हैज मीटर एंड राइम। एक पोएम जिसमें मीटर और राइम दोनों होते हैं उसे क्या कहा जाता है सो योर आंसर इज ऑप्शंस आर लिरिक फ्री वर्ड्स एंड नैरेटिव। सो योर आंसर इज लिरिक। So hopefully you liked the video if you like the video thumbs up it and write down in comment box your score thank you for watching see you in next video